कोरोना वायरस का खतरा, सूबे भर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, महकमा सेहत मुल्तान ने इकदाम मजीद तेज कर दिए। निश्तर इमरजेंसी में 15 बेड्स पर मुश्तमिल इजाफी वार्ड कायम, जेर इलाज दो मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। टीचिंग अस्पताल और निश्तर अस्पताल में सर्जिकल मास्क नायाब, डॉक्टर्स ने मास्क की फराहमी के लिए मरासला लिख दिया। कानपुर में कोरोना के शुबे में 35 साल सकीना नामी खातून तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल, अस्पताल में कोरोना किट्स ना ही वार्ड बनाया गया, मरीजा जनरल वार्ड में दाखिल। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम, कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नेशनल अस्पताल का अचानक दौरा, कोरोना के हवाले से किए जाने वाले हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। कमिश्नर शानुल हक का कहना है कि डिवीजन भर में 6 हाई डिपेंडेंसी यूनिट, 120 बेड्स कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किए जा चुके हैं, अवाम किसी मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। कोरोना से निमटने के लिए इकदाम, मुल्तान के सरकारी स्कूलों में कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के सेशंस करवाने का फैसला, सेशन में तमाम बच्चों को हाथ धोने का तरीका और कोरोना से बचने की एहतियाती तदाबीर बताई जाएंगी। विहाड़ी में आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही मुहिम, सामाजिक कारकुन भी मैदान में आ गए, लारियडा क्लब रोड और दानीवाल में आगाही के साथ मास्क भी फराहम किए गए। अकामा होल्डर्स को 72 घंटों में सऊदीया रिपोर्ट करने के अहकाम, पाकिस्तान छुट्टी पर आए दर्जनों अफराद वापसी के लिए परेशानी से दो चार, कौमी एयरलाइंस के टिकट का हसूल मुश्किल हो गया, टिकट न मिलने पर मुसाफिरों का कौमी एयरलाइन के अब्दाली रोड पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी, कहते हैं 72 घंटों में वापस ना पहुंचे तो अकामा और रोजगार खत्म हो जाएगा। सीजनल इन्फ्लुएंजा का खतरा, सीजनल इन्फ्लुएंजा के शुबे में मैलसी से मरीज नेशनल अस्पताल मुल्तान मुंतकिल, 35 साल रियाज आइसोलेशन वार्ड में दाखिल, मरीज के नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। जनूबी पंजाब में बारिशों के बायस मुतादिद शहरों में सड़कों और गलियों में पानी जमा, मुल्तान निश्तर अस्पताल के बाहर पानी के डेरे, डीजी खान में शाह सिकंदर रोड, भट्टा कॉलोनी तालाब का मंजर पेश करने लगे, मुजफ्फरगढ़ की अहम शाहराएं अपनी असल शक्ल खो बैठी, मुख्तलिफ सड़कों पर गढ़े पड़ गए, उच शरीफ में जहानिया रोड, ईदगाह रोड, टंकी चौक, सदर बाजार में भी पानी जमा, राहगीर परेशान। कोट अदू में अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई, चौक सर्वर शहीद में दीवार गिरने से 58 साल बशीर जहां बहक, दो बच्चे जख्मी, चक 632 में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 35 साल कनीज बीबी मौके पर जहां बहक, पांच बच्चे जख्मी। उधर जिना कॉलोनी में घर की कच्ची दीवार गिरने से 58 साल फौज। बहावलपुर में हालिया बारिशों के बायस गंदम और दीगर फसलें बुरी तरह मुतासिर, काश्तकार परेशान, कहते हैं बारिश के बायस गंदम की फसल को बहुत नुकसान हो चुका है, बारिशों का सिलसिला बंद ना हुआ तो गंदम की फसल से हाथ धो बैठेंगे। सादिकाबाद में बारिशों और यालाबारी से हजारों एकड़ गंदम की फसल तबाह, किसान की साल भर की मेहनत पानी में बह गई, कोई हुकूमती नुमाइंदा भी तसल्ली देने ना पहुंचा, सैकड़ों किसानों का एहतजाज, गौसिया चौक से एसी ऑफिस तक रैली भी निकाली, किसानों को रिलीफ दो किनारे। दुनियापुर में हालिया बारिश से लोगों के मामलाते जिंदगी मुतासिर, मोजा शर्की में गुजश्ता तीन रोज से बिजली बंद, मैपको इंतजामिया की जानिब से बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी, इलाका मकीन सराफा एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। अहमदपुर शहर में सफाई का होगा मिसाली निजाम, बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई ऑपरेशन अहमदपुर तक वसी करने का फैसला कर लिया, जिसके तहत म्यूनिसिपल कमेटी अहमदपुर का अमला सफाई और मशीनरी हैंड ओवर करने के बाद बाकायदा काम शुरू कर दिया जाएगा। वजीर आला सेक्रेटेरिएट कहां बनेगा, बहसो तकरार जारी, चेयरमैन तहरीके सूबा मुल्तान राव अब्दुल कयूम शाहीन का कहना है कि वजीर आला सेक्रेटेरिएट मुल्तान में ही बनना चाहिए, पीटीआई के मेंबरान असेंबली ने यकीन दहानी करवाई है कि तहरीक इंसाफ जल्द यू टर्न लेगी, यू टर्न ना लेने पर भरपूर एहतजाज का इंदिया दे दिया। बहावलपुर में केनाल गार्डन हाउसिंग स्कीम के मालिकान और डेवलपर्स की इंक्वायरी शुरू, नैब मुल्तान ने केनाल गार्ड के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए,
कैनाल गार्डन के मुतासरीन को इतला देने के लिए इश्तेहार भी छाया। मुतासरीन को 15 दिन के अंदर शिकायत नैब मुल्तान में जमा करवाने की हिदायत। हुकूमत पंजाब ने पीएमएस जनूबी पंजाब कोटे की 15 सीटें होल्ड कर ली। पीएमएस अफसरान की भर्ती के लिए 71 सीटें कमीशन को अरसाल, 11 सीटें अकलियतों के लिए, एक माजूर अफराद, 69 ओपन मेरिट के लिए रखी गई। ईद के बाद पीएमएस का पंजाब सर्विस पब्लिक कमीशन के तहत इम्तिहान होगा। महकमा तालीम की मुबैना नाहली डायरेक्टर जारी हुए साल गुजर गया। मियां मालिक के स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए फंड जारी न हो सके, हजारों तलबा का तालीमी मुस्तकबिल दांव पर लग गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर सलीम अख्तर का कहना है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को भिजवा दी है। आरटीओस में डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। एफबीआर ने मुल्तान समेत मुल्क भर के डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का डेटा तलब कर लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर इनलैंड रेवेन्यू मुख्तार हुसैन का कहना है कि तमाम मुलाजमीन को रेगुलर किया जा सकता है। मुल्तान रेलवे स्टेशन को जदीद बनाने के जाने पेशरफ। रेलवे स्टेशन पर मरम्मती काम शुरू कर दिया गया। जदीद सिक्योरिटी सिस्टम नष्ट करने का काम जारी। पहले मरहले में 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुल्तान के इलाके थाना कादरपुरा में शादीशुदा लड़की को अगवा करने का मामला। लड़की के वालिद का हुकाम बाला से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। कहते हैं कानून कार्रवाई करने पर मुल्जिमान जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मेलसी मोजाकुंड बहादुर में 62 जमींदारों की इजारादारी। मकामी काश्तकार की तैयार फसल पर हल चला दिया। मुतासरा काश्तकार मोहम्मद सदीक का अहले इलाका के हमरा एहतजाज। अरबाब इख्तियार से हसूल इंसाफ का मुतालबा। पुलिस ने मामला महकमा रेवेन्यू का कहकर छोड़ दिया। तहसीलदार जफर जुतियाल ने मामले से लाइलमी का इजहार कर दिया। महंगाई सबके लिए मगर वसाइल की तकसीम गैर मुनसिफाना क्यों। बहावल नगर में तमाम विफाकी महकमा जात की तनख्वाह और दीगर मरात बराबर न किए जाने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। अकाउंट्स ऑफिस के मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल, धरना जारी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मिलावट माफिया को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत इन एक्शन। मुल्तान में मिलावट माफिया और गली मोहल्लों में जानवर जिबा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में टास्क फोर्स कायम। फूड अथॉरिटी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और इंतजामी अफसरान मिलावट माफिया के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। शहर औलिया अब होगा मजीद खूबसूरत। ट्रैफिक प्लान भी बेहतर बनाया जाएगा। डिविजनल इंतजामिया शहर के खूबसूरती प्लान पर अमल दरामद करवाने के लिए सरगरम। कमिश्नर शानुल हक ने शहर की सड़कों के तमाम मीडियंस को रंग करवाने का हुक्म दे दिया। अहम शहरों पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को साइन बोर्ड लगाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर शौजब सईद का स्कूलों में तालीमी और अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का जायजा लेने के लिए दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा हेल्थ ऑफिस में डॉक्टर से मुलाकात की और कुत्ता काटे की वैक्सीन फराहमी की हिदायत की। स्कूलों में बेहतर तालीमी सहूलियात फराहम करने की भी यकीन दहानी। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की जेर सदारत मियांवाली में इजलास। सिवरेज शहर में जमा होने वाले बारिशी पानी और बस स्टैंड के मसाइल का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सिटी पैकेज के तहत तमाम मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। 2 करोड़ रुपए लागत से तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर का कहरोड़ पका का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। कहते हैं मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। नालायकी छुपाने के लिए अवाम और मीडिया के लिए मालूमात तक रसाई नामुमकिन बना दी गई। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने जा रही है। मुल्तान में थाना अल्पा पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। मुल्जिमान सदाकत हुसैन और मोहम्मद रमजान गिरफ्तार। आलाय कत्ल पिस्टल 30 बोर भी बरामद। मुल्जिमान ने मकतूल को जाती रंजिश पर सर में गोली मारकर कत्ल करने का इंकशाफ किया। एसपी गुलगश्त अहमद नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बहावलपुर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अजरा शेख के घर डकैती का मामला। पुलिस की जानिब से तश्कील दी गई तहकीकाती टीम की अहम कामयाबी। पुलिस ने डकैत गैंग के अहम कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में छापे जारी।
कोट अदू में ट्रैफिक हादसा, कैरी डब्बा और मोटरसाइकिल में तसादुम के दो जख्मी तालिब इल्म दम तोड़ गए। एक की हालत तश्वीशनाक। पुलिस ने कैरी डब्बा के ड्राइवर गुलाम शबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ड्राइवर फरार होने में कामयाब। बूरेवाला में थाना फताशाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 माह कबल अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस कर लिया। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। आलाए कत्ल बरामद। मुलजिमान ने एतराफे जुर्म भी कर लिया। दुनियापुर में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। 7 साला भाई के मकान को गिराने और कब्जे की कोशिश करने पर सोतेला भाई गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चौक आजम लैया में ताला तोड़ गिरोह सरगरम। चोर 4 दुकानों और स्कूल का सफाया कर गए। 1,10,000 रुपए नकदी, 4 मोबाइल और कीमती अशिया लेकर फरार। उधर चिश्तिया में महार शरीफ के करीब डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने शहरियों को लूट लिया। डाकू शहरी से 2 लाख रुपए, 2 मोबाइल, जेवरात और मोटरसाइकिल छीनकर फरार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। लैया में थाना चौक आजम यूनस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा और मनुष्यात बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर करोड़ पक्का में थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। मौजा बहावलगढ़ में मनुष्यात फरोश आसिफ साथी समेत गिरफ्तार। भारी मकदार में शराब बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मॉडल कस्टम कलेक्टरेट मुल्तान में तायनात 6 अफसरान को नई जिम्मेदारियां तफवीज। अफसरान को फौरी तौर पर नए अहदों का चार्ज संभालने के अहकाम जारी कर दिए गए। असिस्टेंट कलेक्टर अक्सा सलीम मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तायुनात। उमेर अमजद बहावलपुर और साहिवाल। डिप्टी कलेक्टर मकबूल अहमद को सरगोधा, खुशाब, मियावाली और भक्कर के अजला का चार्ज दे दिया गया। डीपीओ सियालकोट मुस्तनसर फिरोज का लैया तबादला कर दिया गया। डीपीओ मुस्तनसर फिरोज लैया में बतौर डीपीओ अपने फराइज सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद अली वसीम की थानों के साथ साथ डीपीओ दफ्तर की भी इंस्पेक्शन। डीपीओ की जेर सदारत क्राइम मीटिंग। थाना वाइज क्राइम की शरह और पुलिस कारकर्दगी को चेक किया गया। एसएचओस को अपने अपने इलाकों में ठेकरी पहरा फाल करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर चौधरी मोहम्मद अनवारुल हक की आज सालगिरह। दोस्त अहबाब और अजीज अकारिब का नेक ख्वाहिशात का इजहार। चिड़ियाघर बहावलपुर में अमेरिकन पूमा तवील इलाज मुआलजे के बाद भी जानबर ना हो सकी। पूमा रात गए तबीयत ज्यादा खराब होने से हलाक। चिड़ियाघर इंतजामी के मुताबिक पूमा गुजश्ता कई माह से मिर्गी के मर्ज में मुब्तला थी। पूमा की हलाकत के बाद तमाम जरूरी कार्रवाइयां मुकम्मल कर दी गईं। सिविल अस्पताल बहावलपुर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत शुजरकारी जारी। एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर हामिद खान, डायरेक्टर इमरजेंसी और डीएमएस गायनी ने पौधे लगाए। पहले मरहले में अस्पताल में फलदार पौधे लगाए गए। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स खानेवाल में शजरकारी मुहिम जारी। जेल सुपरिटेंडेंट ताहिर मजीद ने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर पौधे लगाए। कहते हैं सिविल सोसाइटी के तआवुन के बगैर शजरकारी मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान कासिमपुर में तालिबात के लिए आगाही सेमिनार। जोनल मैनेजर जनूबी पंजाब इंजीनियर अब्दुल वासे की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सेमिनार का मकसद तालिबात को नौकरी और अपना कारोबार शुरू करने के मुतालिक आगाही फराहम करना है। शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान ने एंटी करप्शन का आगाही सेमिनार। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर समेत मेडिकल स्टूडेंट्स की शिरकत। शुरका को मौजूदा दौर में करप्शन से बचने और इसके नुकसान के हवाले से आगाही दी गई। पुलिस लाइन ड्राइविंग स्कूल डीजी खान में तकरीबे तकसीम असनाद। डीपीओ असद सरफराज ने पासिंग आउट करने वाले 22 तलबा में असनाद तकसीम की। रोजा रख बैठा। हाँ जी, पहली दफा जिंदगी रोजा रखे। 12 बजे मैंने फोन करके मैं रोजा तोड़न लगा। मैं कहा सख्त गुनाई ना करी। कहते नहीं मैं तोड़ देना। मैं कहा बड़ा सख्त गुनाई ना तोड़ी। कहते नहीं मैं तोड़ देना। मैं कहा ना मिर्जा, बड़ा सख्त गुनाह है। फोन चौके थे FM मिला लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अयूब मिर्जा बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी क्या सुनेंगे? कहना मगरब दिया जान सुना दियो। हीरो डिटर्जेंट पाउडर की जानिब से शाहजहां बैंक्वेट हॉल मुल्तान में हीरो बड़ी ऑफर। तकरीब तकसीम इनामात। मारूफ अदाकार और कॉमेडियन आगा माजिद की टीम के हमरा परफॉर्मेंस। पाकिस्तान भर से हीरो डिटर्जेंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स की शिरकत।
تقریب میں لکی ڈرا کے ذریعے گاڑی اور موٹر بائک سمیت دیگر انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ آرٹس کانسل بہاولپور میں سرائیکی وسیب ڈینا کی تقریبات، کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری نے تقریبات کا افتتاح کیا۔ سرائیکی ثقافتی سٹال سج گئے، ایڈیشنل کمشنر آفتاب پیرزادہ، سرائیکی ادیب شعرا اور دانشوروں کے سٹالز پر آمد۔ سرائیکی چنری، ہاتھ سے تیار کردہ ملبوسات اور مقامی جولری کے سٹال توجہ کا مرکز۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا حضرت سید احمد سلطان المعروف دربار سخی سرور پر عقیدت مند کے قافلوں کی آمد جاری، عقیدت مندوں کی ڈھول کی تھاپڑ دھمالیں، مزار اقدس پر چادر چڑھا کر دعائیں مانگی، شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوائنٹس قائم، مزار کے چاروں اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ اور سٹرابری، دیدہ سیب اور فوائد سے بھرپور پھل جو ہیپاٹائٹس، بلڈ پریشر، یرکان سمیت دیگر کئی امراض سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کھٹا میٹھا پھل سٹرابری کی ملتان میں بے شمار مانگ، 160 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگی۔